एक साइंस मैगजीन है जिसने अमेरिका में कुछ प्रयोग किए। एक तिहाई से ज्यादा आदमियों ने बिजली का झटका खाना चुना। इस धरती पर मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत संजीदा सवाल है। हम ऐसे वक्त और जमाने में आ गए हैं जहां लगभग कोई भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। ये अपनी केमिस्ट्री को ही बदल लेने की बात है, ताकि आपकी केमिस्ट्री ही एक आनंद से भरी केमिस्ट्री बन जाए। जब कुछ विशेष प्रयोग किए गए, एक साइंस मैगजीन है जिसने अमेरिका में कुछ प्रयोग किए, जिसमें चॉइस थी कि आप 15 मिनट के लिए या तो चुप बैठिए या फिर आप एक बिजली का झटका ले लीजिए। क्या आप यकीन करेंगे, एक तिहाई से ज्यादा आदमियों ने बिजली का झटका खाना चुना, एक चौथाई से ज्यादा औरतों ने बिजली का झटका लेना चुना। बिजली का झटका ले लेना चुपचाप बैठने से बेहतर है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन एक महामारी की भविष्यवाणी कर रहा है, मनोरोग की एक महामारी। इसका मतलब है कि आपके आसपास लगभग हर कोई वैसा हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्जन जनरल ने कहा है, हर दो में से एक अमेरिकी अकेला महसूस करता है। दो में एक, दूसरे वाले के साथ क्या हो रहा है? अकेलापन डिप्रेशन के पैदा होने की शुरुआत है। एक बार जब आप कुछ समय के लिए अकेला महसूस करना शुरू कर देते हैं, फिर आप गिरते चले जाते हैं। द मेंटल हेल्थ ऑन द प्लैनेट, द ह्यूमन मेंटल हेल्थ ऑन द प्लैनेट इज इन सीरियस क्वेश्चन। धरती पर मानसिक स्वास्थ्य, इस धरती पर इंसानों का मानसिक स्वास्थ्य एक संजीदा सवाल है। जब मैं कहता हूँ संजीदा सवाल है, मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक रोग कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं दूर किसी को होती है और कोई पागल हो जाता है। नहीं, हम ऐसे वक्त और जमाने में आ गए हैं जहाँ लगभग कोई भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। ऐसा अनुमान है कि अगले 15 से 20 सालों में मुश्किल से ऐसा कोई परिवार बचेगा जहां कम से कम एक मानसिक रोगी नहीं होगा। यूनाइटेड स्टेट्स में 20% बड़े लोग किसी न किसी तरह के परख लिए गए मानसिक रोग से पीड़ित हैं। 55% मतलब 280 लाख लोग मानसिक रोगी हैं और कोई इलाज नहीं चल रहा है। यह है दुनिया की सच्चाई। इसके कई पहलू हैं। हम जिस तरह की शिक्षा पाते हैं, हमारी मानसिक परिस्थितियां और जिस तरह का खाना हम खाते हैं, जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं, इन सब चीजों का इसमें हाथ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय में जब इंसान इस तरह की घबराहट में है, इस तरह की चिड़चिड़ाहट में है, इस तरह की नाजुक मानसिक अवस्थाओं में है, तो इनर इंजीनियरिंग की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको ये समझना चाहिए कि मैं इस सब के बारे में 40 साल से बात कर रहा हूं कि अगर आप इच्छुक हैं तो आप आज ही अपने दिमाग को बिल्कुल नए तरीके से ठीक कर सकते हैं। 24 घंटे के समय में आप अपने एपिजेनेटिक सिस्टम को इस तरह से बदल सकते हैं कि चाहे आपके माता पिता कोई भी हों, चाहे आपके जीन के गुण कैसे भी हों, आप पूरी तरह से एक नए इंसान हो सकते हैं कल सुबह। खैर, व्हाट्सएप वैज्ञानिक इसके लिए मुझे बुरा भला कहते आए हैं। व्हाट्सएप वैज्ञानिक साफ है दिमागी तौर पर स्वस्थ नहीं है, ये बात साफ है। लेकिन आज आधुनिक विज्ञान साफ तौर पर यह सिद्ध करता है कि जीन ही सब कुछ नहीं है। जीन केवल सांकेतिक हैं, वो कोई भी चीज पूरी तरह से निश्चित नहीं करते हैं, वो केवल संकेत करते हैं। ये ऐसा हो सकता है, लेकिन आप संकेतों को किनारे रखकर वैसा कर सकते हैं अगर आप चाहें। न कर्म न ही जीन आपके जीवन में रुकावट बन सकते हैं अगर आप इसकी बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं। लेकिन बागडोर संभालने के लिए आपको थोड़ी सी मदद चाहिए होगी, जो आपकी एनर्जी के पैटर्न को बदलने से, आपकी केमिस्ट्री के पैटर्न को बदलने से, आपके मनोवैज्ञानिक पैटर्न को बदलने से मिलेगी। तभी आपको इसे बदलने की आजादी मिल पाएगी। इनर इंजीनियरिंग का मतलब आपके रवैये को बदलना नहीं है,
नहीं, नैतिकता को बदलना है। कोई नए कर्तव्य सीखना नहीं है, ये आपकी केमिस्ट्री को ही बदलने के बारे में है, आपकी केमिस्ट्री को ही एक आनंद से भरी केमिस्ट्री बनाने के बारे में है। इसका ये मतलब है, 7 चरणों में सद्गुरु के साथ अपना जीवन रूपांतरित कीजिए। ये है ये प्रोग्राम इनर इंजीनियरिंग। सात चरण, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इंसान अपने लिए कुछ करें। रोजाना अपनी खुद की भलाई के लिए 21 मिनट निकालें। पिछले 5 सालों में हमने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के बेथ इज़राइल हॉस्पिटल में सद्गुरु सेंटर फॉर कॉन्शियस प्लैनेट के नाम से एक सेंटर की स्थापना की। उन्होंने इस पर बहुत सारा काम किया है और अभी तक उन्होंने पाया है कि इससे इंडो कैनबोनाइड्स और BDNF या ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिकल फैक्टर्स में 70% की बढ़ोतरी होती है। ये इंडो कैनबोनाइड्स में 70% बढ़ोतरी संभोग सुख या तीव्र व्यायाम के दौरान जो होता है उससे 23% ज्यादा है। बस यहां बैठे बैठे आप परम सुख और परम आनंद की ऐसी अवस्था में पहुंच सकते हैं कि आपको इसे पाने के लिए किसी चीज के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आपको शराब की बोतलों, नशे की गोलियों, आदमियों, औरतों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। यहां बैठकर आप परम आनंदित हो सकते हैं। Once you're blissful by your own nature, एक बार आप अपने स्वभाव से ही परम आनंदित हो जाएं, तो आपका जीवन आपके हाथ में होता है। आप फैसला करते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिना किसी मजबूरी के। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसकी जरूरत हर एक इंसान को है। इस इनर इंजीनियरिंग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। ये एक नए तरीके से भेंट की जा रही है, तो इसके चलते सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम जो हम करते हैं वह अब बस सद्गुरु के नाम से होंगे। कोई भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया को एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं करना चाहता है, वो इसे उसके साथ करना चाहते हैं जिस पर वो भरोसा करते हैं। तो आइए इसे साकार करें, क्योंकि ये जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हम इसे अभी ठीक नहीं करते तो अभी की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी बहुत ज्यादा कष्ट उठाएंगी। तो आज उस दिन के ठीक 40 साल बाद हम इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन को एक नए रूप में एक बार फिर से लॉन्च कर रहे हैं। 7 चरणों में सद्गुरु के साथ अपने जीवन को रूपांतरित करें। आइए इसे संभव बनाएं।